हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूर्य ट्रिपल से तैयारी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और इस मंथ यानी मार्च महीने में जो क्वेश्चंस 10 मार्च तक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में, जो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी किसका एग्जाम्पल होता है? हार्ड डिस्क का है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल डिवाइस? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल डिवाइस। सीडी ये भी आपकी ऑप्टिकल डिवाइस होती है, जिसमें से डीवीडी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बराबर राउंड 2.15,1, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा ये बताना है। ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चंस एक आपको देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते इस तरह से हैं, कॉमा के बाद एक लगा हुआ है, इसका मतलब होता है यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक तक वैल्यू चाहिए होती है। अब यहाँ पे दशमलव के एक अंक पे 1 है, इसके जस्ट बाद 5 है, तो 5 को मिस कर देना है। तो जब 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है, तो जो ये वैल्यू होती है पोजिशन वाली, इसमें एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 2.2। अगला है, एकाधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का एक साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कई प्रोग्राम को चलाना आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी के पीछे जो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम मेमोरी, वो क्या होती है? बड़ी होती है या सस्ती होती है? फास्ट। करेक्ट आंसर है फास्ट, यानी तेज होती है। अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है, यानी अधिक से अधिक डाटा स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क की? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क का। इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए, उसमें से हार्ड डिस्क जो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। डॉट जिप का मीन क्या है, यानी जो डॉट जिप फाइल का मतलब क्या होता है? कंपास फाइल होती है, कंप्यूटर फाइल या कंप्रेस्ड फाइल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कंप्रेस्ड फाइल, यानी जैसे 50 MB की कोई फाइल है, उसे अगर कंप्रेस कर दिया जाए और साइज उसका कर दिया जाए 25 MB, तो वो कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है और डॉट जिप फाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत में जाने की शॉर्टकट की। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है दिस इज ए बॉय, अगर हम इसके लास्ट में जाना, शुरुआत यानी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए होम की का हम यूज करते हैं। अब होम की प्रेस किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कर्सर होम के पहले आ गया, तो उसका करेक्ट आंसर है होम। कॉल स्प्रेडशीट में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, यानी कॉल के नहीं, जो आपका एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डेटा को किस फॉर्मेट में व्यवस्थित करते हैं, आयरन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम में इसको व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए किस नंबर प्रणाली का यूज करते हैं, कंप्यूटर में डेटा जो सेव होता है तो किस नंबर में सेव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी नंबर में। ईडीएस स्टैंड फॉर, ईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में देखने को मिले हैं इस महीने में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम। ईडीपी का फुल फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता है और कई कंप्यूटर का समूह हो, क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है होस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है या फिजिकल वर्ल्ड है या मशीन वर्ल्ड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका फिजिकल वर्ल्ड, यानी जो प्रेजेंट टाइम जो भौतिक चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि डिजिटल वॉच हो गई या चोर घंटी हो गई, कि मतलब दरवाजे के पास अगर कोई आए, दरवाज़ा ऑटोमेटिक सायरन करने लगे, आवाज़ करने लगे, सब आपकी इंटरनेट थिंग होती हैं। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, प्रिंट आउट पेज होता है, यानी उसको क्या बोलते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हार्ड कॉपी। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कीज क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल शिफ्ट वो। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कीज, यानी कोई मैटर लिखा हुआ है उसको अगर ऐसे इस फॉर्म में लिखना है, हमें तिरछा लिखना है, तो कंट्रोल आई करेक्ट आंसर है। 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB कितने MB के बराबर होता है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1024 MB, यानी 1024 MB 1 GB के इक्वल होता है।
अगला है ईमेल बना होता है, ईमेल कितने भागों में बटा होता है, एक भाग, दो भाग, तीन भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर है दो भाग में, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ब्लेस 41:20, यानी एक पार्ट ये हो गया यूजर नेम बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है डोमेन नेम। तो इस तरह के ईमेल के दो पार्ट होते हैं। ऐड सिंबल जो होता है दोनों को ऐड करने के, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दो। अगला क्वेश्चन है ई वॉलेट इज यूज फॉर, ई वॉलेट का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डिजिटल पेमेंट, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ई वॉलेट का हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ होता है, यानी हेडर जो पार्ट जो होता है वो पेज के कहाँ पर होता है, पेज के टॉप पर या बॉटम पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पेज के टॉप पर। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स को 1991 में टॉरवाल्ड्स द्वारा डेवलप किया गया था, ट्रू है या फॉल्स है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका GUI और CUI दोनों पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको सर्वप्रथम टॉरवाल्ड्स ने 1991 में खोजा था, तो ये ट्रू है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर सेक्शन में वर्तमान तिथि को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जैसे कि हेडर ला लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो अगर हेडर पार्ट है उसमें क्या डेट या टाइम डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट एंड ट्रू। तो सर करेक्ट आंसर है ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर सेक्शन में वर्तमान तिथि को इंसर्ट नहीं कर सकते, चूंकि कर सकते हैं इसलिए फॉल्स है। अगला क्वेश्चन था एक्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग वेब इज नोन एज सर्फिंग, यानी इंटरनेट पे कोई भी चीज हम सर्च करते हैं उसको हम सर्फिंग बोलते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है। UPI पिन कितने डिजिट का होता है, जो आप गूगल पे या फ़ोनपे का जो जैसे UPI ऐप हैं अगर उसमें पासवर्ड लगाना चाहें तो कितने डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 से 6 अंक का हम पासवर्ड लगा सकते हैं। UI का फुल फॉर्म, जो UI का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे यूज़र इंटरफेस। XHTML फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सचेंज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी फर्स्ट वाला सही है। अगला क्वेश्चन है वॉर्म फुल फॉर्म, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। UTR का फुल फॉर्म, UTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। जैसा कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उस पर एक UTR नंबर जारी होता है जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर शो करता है, तो यही आपका UTR है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है AEPS, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, AEPS होता है, यहाँ पे AEPS होना चाहिए था। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये आधार पे बेस्ड होता है, यानी कि आधार के थ्रू मनी ट्रांसफर या मनी का लेन देन हम कर सकते हैं। न्यू प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस सेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल ऑप्शन होता है जिससे न्यू प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कस्टमर नेम, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका रिकॉर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सुपर कंप्यूटर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर है परम। 1991 में ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया था। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अलाइनमेंट बटन टूल बार पर उपलब्ध है, तो ट्रू है फॉल्स। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपका अलाइनमेंट ऑप्शन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा और हेल्पफुल भी साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। तो